theta is equal to 15 over 8 and the terminal arm of angle is not in the quadrant 1. यानी कि cos theta जो है 15 over 8 है, पॉजिटिव है और उन्होंने आपको कह दिया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है. फाइंड वैल्यू ऑफ cos theta एंड cosecant theta. देखें उन्होंने आपको कहा cos theta ये 15 over 8 है, आपको नजर आ रहा है कि ये पॉजिटिव है और खुद ही उन्होंने कह दिया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है. आपको पता है कि cos theta जो है या तो ये फर्स्ट में पॉजिटिव होगा या ये थर्ड में पॉजिटिव होगा, क्योंकि cos theta को हमने टेन के लिहाज से देखना होगा. टेन या फर्स्ट में पॉजिटिव होता है या थर्ड में. इसी तरह से cos theta जो होगा या तो वो फर्स्ट में पॉजिटिव होगा या वो थर्ड में होगा. उन्होंने खुद ही कह दिया कि ये फर्स्ट में नहीं है. अगर ये फर्स्ट में नहीं है तो लाजमी है कि ये फिर किस में होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा. थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आप जो है कि ये बनाएं, थर्ड क्वाड्रेंट में हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई. आपको पता है कोट किसके बराबर होगा, टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस. तो कोट क्योंकि टेन का उल्ट होगा तो ये होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर. तो बेस आपके पास 15 होगा, परपेंडिकुलर 8 होगा. और क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो इसमें हम इन दोनों को नेगेटिव लेंगे. उसके बाद हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए. तो आपको पता है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वेयर प्लस बेस का स्क्वेयर. ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप इसके साथ नेगेटिव का साइन लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि जब आप उसका स्क्वेयर लेंगे वो खत्म हो जाएगा. तो परपेंडिकुलर हो गया 8 और बेस हो गया 15. का स्क्वायर देगा 225. तो ये हो गया 289. स्क्वायर रूट लेंगे इसका तो 17 आ जाएगा. तो ये अब आगे तो बिल्कुल आसान आगे, क्योंकि वो आपसे तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस नहीं पूछ रहे, सिर्फ आपसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड cosecant थीटा. तो cos थीटा जो है आपको पता है किसके बराबर होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. तो बेस आपके पास है 15 और हाइपोटेन्यूज 17. उसके बाद आगे आ रहे हैं cosecant theta. cosecant जो है ये साइन का उल्टा होगा. तो cosecant आपको पता है कि ये होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर. तो ये 17 और परपेंडिकुलर जो है वो 8. और आपको पता है कि थर्ड क्वार्टर में cosecant जो है वो नेगेटिव होगा. तो आपके पास cos थीटा हो गया माइनस 15 ओवर 17 और आपके पास जो है कि ये cosecant थीटा जो है वो आपके पास हो जाएगा माइनस 17 ओवर 8. तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट हो गया. बाकी आपको निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि उन्होंने आपसे नहीं पूछा होगा. उसके बाद जो है हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. इफ cosecant थीटा इक्वल एम स्क्वेयर ओवर 2m स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एम और अब आगे एम इज ग्रेटर देन 0 यानी कि एम पॉजिटिव है एंड 0 लेस देन थीटा, थीटा लेस देन पाई बाय 2. इसका मतलब कि जो एंगल है वो 0 और पाई बाय 2 के दरमियान है. ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ
कि अगर आपके पास ये क्वाड्रेंट है ये जीरो रेडियन ये पाई बाय टू रेडियन पाई रेडियन थ्री पाई बाय टू रेडियन और टू पाई रेडियन। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर जीरो और पाई बाय टू रेडियन के दरमियान एंगल हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जीरो लेस देन थीटा, थीटा लेस देन पाई बाय टू। इसका मतलब कि जो थीटा है वो जीरो और पाई बाय टू के दरमियान यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है कि जीरो लेस देन थीटा, थीटा लेस देन, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा जीरो और पाई बाय टू के दरमियान है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा चले, कोसीकट आपको पता है ये होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज जो होगा ये एम का स्क्वायर प्लस और परपेंडिकुलर जो है ये टू एम होगा। तो अब हमें यहाँ पे बेस चाहिए, अब हमें यहाँ पे जो है वो बेस चाहिए। तो आपको पता है पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक के जो बेस होगा वो किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का, हाइपोटेन्यूज ये है एम का स्क्वायर प्लस और परपेंडिकुलर है टू एम। जब इसका स्क्वायर लेंगे ये आएगा एम फोर। आपको पता होना चाहिए कि इसका स्क्वायर कैसे लेंगे और माइनस फोर एम स्क्वायर। अब टू एम स्क्वायर में से फोर एम स्क्वायर माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा एम फोर माइनस टू एम स्क्वायर। तो ये होगा एम स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए, और जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के आएगा तो एम स्क्वायर माइनस वन, ये आपके पास बेस आ गया एम स्क्वायर माइनस वन। तो क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो फर्स्ट में जो है कि आपको पता है कि तमाम चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, साइन कोस टेन वगैरह हर चीज़ जो है। अब कोसेकंड, तो अगर मैं साइन थीटा निकालता हूँ वो किसके होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बेस एम स्क्वायर माइनस वन ओवर एम स्क्वायर प्लस वन, और टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस टू एम। उसके बाद कोसेकंट तो है हमारे पास, सेकंट थीटा जो होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ये उल्ट होगा ना उसका कोस का, और कोट जो है ये उल्ट होगा टेन का, तो ये बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो हमने निकाल दिए। उसके बाद जो है हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन। टेन थीटा जो है ये वन ओवर सेवन स्क्वायर रूट दिया हुआ है, एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज नॉट इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और उन्होंने खुद ही कह दिया है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है।
आगे फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे भी आप देखिएगा टेन थीटा जो है वो आपको दिया होगा है वन ओवर और ये पॉजिटिव है और ये टेन थीटा वन ओवर सेवन का स्क्वायर रूट ये पॉजिटिव है और आगे वो आपको खुद ही कह रहे हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। टेन पॉजिटिव यहाँ तो फर्स्ट में होगा या थर्ड में होगा, यहाँ पे उन्होंने आपको खुद ही कह दिया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है फिर लाजमी है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि टेन पॉजिटिव या फर्स्ट में होगा या थर्ड में होगा। वो कह रहे हैं कि वो थर्ड में नहीं है तो ये फर्स्ट में होगा। तो हम इसको जो है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इसको बनाते हैं, ये इसके राइट एंगल ट्रायंगल। टेन आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होगा तो परपेंडिकुलर वन हो जाएगा और बेस जो है ये सेवन का स्क्वायर रूट। अब आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए, वही पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज किसके होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस। अब परपेंडिकुलर जो है वो है वन और बेस जो है वो है सेवन का स्क्वायर रूट, वन प्लस सेवन एट का स्क्वायर रूट। ये आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया। अच्छा उसके बाद वो आपसे कह रही हैं कि अब आपने निकालना होगा कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट आपको पता है साइन का उल्टा होगा, साइन होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज तो आपके पास जो है एट का स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर वन, तो ये एट का और इसी तरह से है सीकेंट थीटा। सीकेंट ये कोस का उल्टा होगा, कोस होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। अब वो कह रहे हैं कि आपने वैल्यू निकाल ली है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंट स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंट स्क्वायर थीटा। चलिए हम इसको यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे जगह काम है। नाउ अब जो है कि आप लिखो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस, आप वैल्यूज जो है वो पुट करें। कोसेकेंट की अभी हमने वैल्यूज निकाली वो था एट का स्क्वायर और सेकेंट की एट माइनस एट ओवर सेवन, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट काटते एट प्लस एट ओवर सेवन। एलसीएम लिया सेवन, सेवन को एट से मल्टीप्लाई किया 56, सेवन को सेवन पे डिवाइड करेंगे वन, वन एट का एट।
अब आप जो है कि अगर कटिंग हो रही है, कटिंग का अर्थ ये सेवन और सेवन काट के 16 पे कटिंग करते हैं, 16 4 64, 16 3 48, तो ये बेटा 3 और 4 आपका आंसर आ गया। बाकी आप इसको नीट करके कॉपी पे कर लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक हो गया, चलिए अब अगला करते हैं। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहे हैं कि कॉट थीटा जो है वो इक्वल है 5/2 के, एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin theta 4 cos theta over cos theta minus sin theta। तो हम इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कॉट थीटा जो है ये है 5/2 के, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कोट आपको पता है कि होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, सॉरी टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, कोट होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस इसमें 5 हो जाएगा और परपेंडिकुलर इसमें 2 हो जाएगा, और आपको हाइपोटेन्यूज जो है वो चाहिए। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया 2 के, बेस हो गया 5 के। तो अब हमें चाहिए साइन और कोस की वैल्यू। साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कोस थीटा होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब आपको जो है ये वैल्यू 3 sin theta, प्लस 4 cos theta, और cos theta माइनस sin theta, जो आपने वैल्यूज निकाली हैं sin और cos की, वो आप इधर पुट करो। साइन थीटा है 2/cos theta है 5/2
26 over 29 का स्क्वायर रूट 3 और ये कटिंग हो जाएगी और 26/3 ये आपका आंसर हो जाएगी। तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई। अब आप जो है कि इसको कीजिएगा, वीडियोस देखिएगा और इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए।